हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 स्पेशल पर्पस डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर में आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फोटो ट्रांजिस्टर। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो फोटो ट्रांजिस्टर को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले तो इसके नाम का मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि फोटो ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर यानी क्या, हमने पढ़ के रखा है कुछ ऐसा सिंबल होता था जिसमें हम क्या बोलते थे कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच किया गया होता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके पास तीन टर्मिनल होते थे, कौन से, कलेक्टर बेस और एमीटर। तो यही चीज आपको लिखनी है, इट इज अ थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसे ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, अब फोटो का मतलब समझते हैं। फोटो यानी क्या, फोटो यानी लाइट, क्योंकि लाइट में से क्या आते हैं, फोटॉन्स आते हैं। ठीक है, तो फोटो का मतलब लाइट और ट्रांजिस्टर का मतलब तो हमने देख लिया थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, फोटो ट्रांजिस्टर। तो फोटो ट्रांजिस्टर यानी क्या, एक ऐसी डिवाइस के जो फोटॉन्स है या फिर लाइट एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, उसे हम फोटो ट्रांजिस्टर बोलते हैं। यहां पे लिखा है कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी फोटो ट्रांजिस्टर को अगर आपने लाइट दी तो वो लाइट को फोटो ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइट इंसिडेंस ऑन बेस, लाइट कहां पे इंसिडेंट करानी है हमें, ये जो बेस है यहां पे लाइट को इंसिडेंट करानी है। ठीक है, अगर आपने लाइट को बेस पे इंसिडेंट कराया तो अब क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट्स इनटू करंट। जो भी लाइट आपने इंसिडेंट कराई बेस पे तो क्या हो जाएगा, ये लाइट एनर्जी, ये फोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये करंट कहां फ्लो होगा, विच फ्लोज थ्रू एमिटर एंड बेस। अब कैसे ये करंट एमिटर टू बेस फ्लो होगा, कैसे बेस पे लाइट एनर्जी देने पर, फोटोन देने पर करंट बनेगा, वो सारी बातें हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये कॉम्बिनेशन है किसका, दो फोटो डायोड्स का। डायोड यानी क्या, हमें पता है पीएन जंक्शन डायोड, ऐसा सिंबल हम पढ़ चुके हैं, ये एक फोटो डायोड है, ये एक फोटो डायोड है। इससे अगर हम लाइट एनर्जी देते हैं या फिर फोटो देते हैं तो क्या करेगा, ये उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यहां पे भी अगर हमने लाइट एनर्जी दी तो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये दो डायोड मिलके ये ट्रांजिस्टर बनता है। कैसे, जैसे कि ये पीएन जंक्शन डायोड एक हो गया, ये पीएन जंक्शन डायोड दूसरा हो गया, दोनों डायोड को कंबाइन किया तो फोटो ट्रांजिस्टर बन गया। तो वही चीज लिखी है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोटो डायोड्स। अच्छा, अब ये दोनों फोटो डायोड क्या करेंगे, इस पे लाइट देने पे करंट बनाएंगे। अब करंट बन, यहां पे तो बन गया, अब ये करंट किसे देंगे, ट्रांजिस्टर को देंगे। यहां एक फोटो डायोड, यहां एक फोटो डायोड, कॉम्बिनेशन कर दिया, करंट बनाया, ये करंट कहां बना, ट्रांजिस्टर में बना। ठीक है, और ट्रांजिस्टर में तो करंट बन गया लेकिन ये करंट को ट्रांजिस्टर क्या करेगा, उसे एम्पलीफाई कर देगा, क्योंकि फोटो डायोड से जो भी करंट बनता है लाइट एनर्जी से वो बहुत ही कम होता है, तो ये ट्रांजिस्टर वो कम करंट को एम्पलीफाई कर देगा। तो क्या लिखोगे आप, करंट प्रोड्यूस्ड बाय डायोड इज लो विच इज गिवन टू ट्रांजिस्टर एंड इट एम्पलीफाइज द करंट। यानी ये जो फोटो ट्रांजिस्टर है उसके दो यूज है। पहला यूज कौन सा, कि ये फोटो ट्रांजिस्टर लाइट एनर्जी को करंट में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा कौन सा, करंट को वो एम्पलीफाई भी कर देगा, जो कि फोटो डायोड नहीं कर पाते थे। फोटो ट्रांजिस्टर लाइट को करंट में कन्वर्ट करेंगे और करंट को एम्पलीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसके वर्किंग की बात करते हैं कि कैसे लाइट एनर्जी देने पर करंट बनता है। ठीक, अच्छा, तो उसके लिए कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम हम बना के रखोगे। ये हमारा कौन सा हो गया, कॉमन एमिटर। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे बेस बनाया और करंट का डायरेक्शन आपको पता है, ऐसे ही बताते थे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर में। ठीक है, बाद में ये जो कलेक्टर है उसे बट ऑब्वियस हम वीसीसी से कनेक्ट करते ही है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये बैटरी में से अगर करंट आया और रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो फुल स्पीड में करंट जाके ये ट्रांजिस्टर को डैमेज कर देगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने के कारण करंट अब स्लो स्पीड में आगे बढ़ेगा, ट्रांजिस्टर डैमेज होगा नहीं। ठीक है, अच्छा, अब बेस का एक
पॉइंट यहां पे ले लेते हैं और यहां से एक पॉइंट यहां कनेक्ट कर देते हैं, ये क्या हो गया हमारा आउटपुट साइड, ये क्या हो गया हमारा इनपुट साइड। इनपुट साइड पे क्या करना है हमें, बेस पे ऐसे करके लाइट देनी है, तो ये लाइट एनर्जी इनपुट पे आ गई तो आउटपुट पे ये लाइट एनर्जी करंट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो भी एम्पलीफाई होकर ये आउटपुट साइड में, ठीक है। और ऐसे करके आपको इसका स्ट्रक्चर डायग्राम भी बनाना है, ये हो गया एमिटर बेस और कलेक्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब यहां पे ये दो लाइन क्यों बना के रखी है, तो ये क्या है हमारी डिप्लेशन लेयर है, ये भी हम पढ़े थे। डिप्लेशन लेयर यानी क्या कि एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप के होल के साथ डिफ्यूज हो जाते थे, यहां पे शॉर्टेज ऑफ चार्ज कैरियर मिलता था हमें, यानी कि ये जो डिप्लेशन लेयर है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होकर बैठे हैं, कुछ इस तरीके से बैठे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हम लाइट नहीं दे रहे हैं, अब जब लाइट नहीं दे रहे हैं बेस पे, ठीक है, अगर लाइट नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस तो होने वाली है और डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिसकी वजह से एक मोमेंटरी करंट बनाएगा, वो मोमेंटरी करंट को हम डिफ्यूजन करंट बोलते थे, ठीक है, और वो डिफ्यूजन करंट को हम डार्क करंट भी बोलते थे। जब हम लाइट इंसिडेंट नहीं कराएंगे तब भी डिफ्यूजन करंट के कारण कुछ करंट बनेगा, लीकेज ऑफ करंट होगा, जिसे हम डिफ्यूजन करंट या डार्क करंट बोलते हैं। तो ये पॉइंट कैसे लिखेंगे, व्हेन नो लाइट इंसिडेंट ऑन बेस, कुछ लाइट आई नहीं, देयर इज अ लीकेज करंट कॉल्ड डार्क करंट, ठीक है। अच्छा, यहां तक आपको समझ में आ गई कहानी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे बेस को लाइट देंगे, फोटॉन्स देंगे, ठीक है। तो जब ये हमारा हो गया कलेक्टर बेस जंक्शन, ये जो जंक्शन है हमारा इसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। जब कलेक्टर बेस जंक्शन पर हम लाइट दे रहे हैं, बेस पे ही दे रहे हैं लेकिन प्रिसाइसली बोलेंगे, जब कलेक्टर बेस जंक्शन पर हम लाइट देंगे तो क्या होगा, लाइट यानी क्या, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे आएंगे और कलेक्टर बेस जंक्शन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होके बैठे हैं, न्यूट्रल चार्जेस है। अब आप क्या कर रहे हो, लाइट दे रहे हो, यानी ऐसे ऐसे फोटॉन्स आ रहे हैं, ये फोटॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फ्री करा देंगे, यानी अब कहानी कैसी हो जाएगी, अब कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, ये होल ये इलेक्ट्रॉन, ये होल ये इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रांजिस्टर है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, नंबर ऑफ होल्स बढ़े। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रांजिस्टर है उसमें चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ी, ठीक है। और हमें एक इक्वेशन पता है कौन सा, अगर आपको याद हो तो आई इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, ठीक है। इसमें एन क्या है, होता था नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। अगर नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़े तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन करंट भी बढ़ेगा। तो यहां पे हम जब फोटॉन्स देंगे ये हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन को, तब क्या होगा, ये फोटॉन्स कोलाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे, तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण यहां पे क्या होगा, यहां पे मैं बोल दूंगा बेस करंट बनना शुरू हो जाएगा। और ये बेस करंट किसमें कन्वर्ट होएगा, कलेक्टर करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कलेक्टर साइड हमें आउटपुट पे करंट मिलेगा, यहां पे हमने लाइट एनर्जी दी जिसकी वजह से आउटपुट पे हमें करंट मिला, ठीक है। ये हो गया इसका फोटो ट्रांजिस्टर का वर्किंग। तो कैसे लिखेंगे, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है, बेस करंट प्रोड्यूसेस विच क्रिएट्स कलेक्टर करंट। अब कैसे, वो पूरा डिस्क्रिप्शन आपके हिसाब से लिख लेना, जगह नहीं है इसलिए मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, ठीक। अच्छा, अब जो भी करंट आउटपुट पे हमें मिल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये जो लाइट की इंटेंसिटी है उसके, यानी अगर ज्यादा लाइट दी ज्यादा करंट बनेगा, इंटेंसिटी लाइट की कम हो गई कम करंट बनेगा, ठीक है। अब यही चीज हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, ये हो गया कलेक्टर करंट, ये हो गया जो बैटरी हमने कनेक्ट कराई है कलेक्टर को वो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ऐसे करके ये वाली लाइन बना के रखी है, ये लाइन क्या इंडिकेट करती है कि जब इसके ऊपर कोई लाइट, बेस पे कोई लाइट आ नहीं रही, तब क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण डिफ्यूजन करंट बनता है जिसे हम डार्क करंट बोलते हैं, तो ये डार्क करंट बन गया, ठीक है। अच्छा, बाद में क्या किया हमने, बाद में लाइट को इंसिडेंट कराई, ठीक है, लाइट को इंसिडेंट कराई, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, तो उसकी इंटेंसिटी थी 10 मिली वॉल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितनी इसकी इंटेंसिटी थी। इंटेंसिटी यानी क्या कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है उस पर आप कितनी लाइट दे रहे हो, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
तो जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इतनी थी तब कितना करंट प्रोड्यूस हुआ ट्रांजिस्टर से, तो मैं बोलूंगा 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हुआ। अब ये करंट बढ़ नहीं रहा, ये करंट कांस्टेंट हो रहा है, भले ही आप पोटेंशियल बढ़ाओ तो भी। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इतनी इंटेंसिटी की लाइट से ज्यादा 1 एम्पियर करंट बना सकते हैं, उससे ज्यादा करंट हम बना सकते नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, दूसरी ज्यादा लाइट डाली यानी इंटेंसिटी बढ़ाई हमने अब लाइट की 20 मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दी, तब क्या होगा? तब ज्यादा से ज्यादा 2 एम्पियर का करंट बनेगा, फिर भले ही आप ये VCC को बढ़ाओगे तो भी करंट तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ऐसे इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाने पर क्या होगा, करंट बढ़ता जाएगा, यानी जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के है। तो वही चीज लिखी है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक, अच्छा अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स नो एम्पलीफिकेशन ऑफ करंट, क्योंकि यहां पे जो भी करंट मिल रहा है वो ज्यादा ही मिल रहा है, इसलिए उसका एम्पलीफिकेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फोटो ट्रांजिस्टर क्या करता है, दो चीज करता है, जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है, अच्छा डिसएडवांटेज क्या है, रिस्पॉन्स टाइम इज लोअर देन फोटो डायोड। अब रिस्पॉन्स टाइम इज लोअर यानी क्या, कि फोटो डायोड पे अगर आप लाइट इंसिडेंट कराते हो तो तुरंत ही वो करंट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फोटो ट्रांजिस्टर के केस में क्या होगा, जैसे ही आप लाइट इंसिडेंट करते हो कुछ माइक्रो सेकंड के बाद करंट प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब इसका रिस्पॉन्स टाइम कम है। अब एप्लीकेशन कौन सी है, वही एप्लीकेशन जो हमने फोटो डायोड में देखी थी, काउंटिंग में, टेप ये जो रीडिंग करते हैं उसमें, हाई स्पीड स्विचिंग में। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब लास्ट वीडियो होगा हमारा ये जो यूनिट नंबर 3 है उसका, जो कि होगा ऑप्टो कपलर या ऑप्टो आइसोलेटर। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।